सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ड्राइव ग्रिड। तो मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ अर्टिगा VXi CNG का ओनरशिप रिव्यू। बिल्कुल ही जेन्युइन ओनरशिप है, बहुत बहुत चला लिया ओनर ने कार, और ऐसा कुछ ओवरऑल लुक मिलता है आपको कार का। 1500 CC का इंजन है, पावरफुल इंजन है, पिकअप भी बढ़िया है। एक बार मैं आपको पिकअप दिखा देता हूँ इसका। तो इस कार के ओनर है मंगेश भाई राजपूत, वेलकम टू द चैनल। तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दे। खेती करता हूँ और साइड बिजनेस है। अच्छा, ठीक है। तो वैसे कब ली आपने कार? ये 5 महीने हुआ। अभी 5 महीने हो गए। अच्छा, ठीक है। वैसे नंबर बड़ा प्यारा है, इस नंबर कैसे मिला आपको ये? 4 नंबर लिया है मैंने। अच्छा, तो कैसे मिल गया आपको? 50,000 में खरीद जाए। अच्छा, 50,000 में मिल गया। कहाँ से ली थी आपने ये? नासिक। नासिक से ले आए, सेवा शोरूम से ले आए। अच्छा, मारुति सुजुकी। कितने मंथ्स का वेटिंग पीरियड था आपको इसके लिए? इसका था 2 महीना बोला था, मगर 6 महीने में मिला था। अच्छा, 6 महीने में मिल गया था। लुक बढ़िया है कार की वैसे? हाँ, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। हाँ जी, इसकी वजह से सिलेक्ट किया है उसको। अच्छा, तो आपको इस गाड़ी में क्या अच्छा लगा बाहर से? बाहर से तो बाहर का लुक ही अच्छा है उसका। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। हेडलाइट का थ्रो कैसा है? बहुत सारे, बहुत बढ़िया है। और ये गाड़ी CNG है। हाँ। सेकंड टॉप है। हाँ, बराबर। तो आपने CNG क्यों प्रेफर किया? CNG ऐसा प्रेफर किया कि अगर आप अपने को अगर आप CNG भी चला सकते या पेट्रोल भी चला सकते, तो इसमें टॉप मॉडल भी था तो CNG नहीं था, तो ये पेट्रोल प्लस CNG है। हाँ जी। इसकी वजह से मैंने इसको चॉइस किया। हाँ जी। और बाहर से क्या एक्सेसरीज लगाए आपने इसमें? एक्सेसरीज मैंने सब लगाए, टॉप मॉडल किया है उसको। टॉप मॉडल एक्सेसरीज बोले तो फॉग लैंप लगाया है, बाद में क्रोम किया है, डोर विंडो सब, स्पॉइलर, उसके बाद वाइजर्स। हाँ, तो ये सब वीडियो स्क्रीन लगाया है, मैक व्हील लगाया है, ये सब बाहर से एक्सेसरीज से किया है। हाँ जी। शोरूम से ही क्या है? शोरूम से ही क्या? शोरूम से ही, मतलब आफ्टर मार्केट की दिक्कत नहीं? हाँ जी। और व्हाइट कलर क्यों लिया आपने वैसे? व्हाइट कलर बहुत बढ़िया लगता है गाड़ी का लुक से, व्हाइट कलर ही अच्छा लगता है ज्यादातर। ज्यादा तो लोग व्हाइट कलर ही चॉइस करते हैं। हाँ, सही है। चलो अंदर बात करते हैं। चलो ठीक। तो आ चुके हैं कार के इंटीरियर में। बहुत ही क्लासी है, बढ़िया इंटीरियर है, प्रीमियम है। यहाँ पे आपको ऐसे कुछ ऐसे इवेंट्स मिल जाता है। यहाँ पे ग्लोव बॉक्स है इसका, बहुत ही बड़ा है। ये आफ्टर मार्केट है ना? हाँ। कितने में पड़ गया है ये? पड़ गया है 27,500 में। अच्छा, और स्पीकर्स भी उन्होंने लगा? सब उन्होंने लगा दिया है। टोटल खर्चा 75,000 आ गया था। हाँ, 75,000 इसके खाली वीडियो स्क्रीन का और साउंड का सिर्फ। हाँ, इसका ही 75 आ गया। हाँ, 75 आया था। और टोटल एक्सेसरीज जो किया है अपने, तो टोटल एक्सेसरीज 1,180,000। 1,80,000।
तो उस वक्त वैसे आपने कौन सी गाड़ियां देखी थी इसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में देखा था मैंने मारुति में ये आर्टिका ये देखी थी वो बोलते एक्सएल सिक्स हाँ वो देखा था, मगर उसमें इससे एक दो फीचर ज्यादा थे मगर सेम ही लगते हैं वो सेम ही लगता है। हाँ अल्टिगा हाँ, सेम हाँ, है। तो सेम ही है मगर जो फैसिलिटी इसमें है वो उसके उसमें नहीं है सीएनजी नहीं हो कंफर्ट वगैरह हाँ, हाँ एकदम बेटर है फैमिली के वास्ते एकदम बेटर है। अच्छा इसकी वजह से अब मैंने अर्टिगा सीएनजी प्लस पेट्रोल ये सिलेक्ट किया। वैसे कार ऑन है अभी, बहुत ही बढ़िया रिफाइनमेंट है गाड़ी का, लगता नहीं है कि कार ऑन है, कुछ भी वाइब्रेशन वगैरह कुछ ही नहीं है। कुछ ही नहीं, कुछ ही नहीं बिल्कुल। उसके बाद में बोले तो ये डैशबोर्ड वगैरह ये सब क्लास है, सब गाड़ी में अंदर से बाहर से लुक देखने के बाद में मैंने ये फैसला लिया कि अर्टिगा लेने है अभी। मतलब आपका प्रिफरेंस मारुति की तरफ ज्यादा था? हाँ ज्यादा था। तो ऐसा क्यों, मतलब मारुति क्यों प्रेफर किया आपने? मारुति में मेंटेनेंस के हिसाब से ही और गाड़ी लुक भी बढ़िया और वन प्लस सेवन एट सीटर के हिसाब से मैंने आर्टिका सिलेक्ट किया। अच्छा अच्छा ठीक है। और यहाँ पे एसी के नॉब्स मिल जाते और पुराने पुराने लगते हैं नॉब, मतलब जो पुरानी गाड़ी आती थी उसमें भी ऐसे ही आते थे? नहीं ऐसे नहीं आता है, उसमें थोड़ा अलग चेंज था, इसमें थोड़ा अलग आया है। अच्छा। और इसका एसी भी बहुत बढ़िया है, बहुत फास्ट चिल्ड हो जाता है। हाँ जी। आपने रियर व्यू कैमरा लगाया इसमें? लिखा है अपना रियर कैमरा ना लगाया ना, रिवर्स कैमरा लगाया, तो वो भी 75,000 में? हाँ नहीं हाँ सॉरी हाँ उसमें चाहिए था, मतलब ये सब स्पीकर के साथ बराबर बराबर। हाँ, अच्छा एक बार रिवर्स करना, क्वालिटी कैसे देते है मारुति? क्वालिटी तो इससे भी बढ़िया है मगर वो पीछे जाना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा। हाँ बढ़िया है वैसे, अभी भी इससे भी बढ़िया है, एचडी लगता हाँ, है। एक मिनट। हाँ ठीक है, अभी साफ कर दिया स्क्रीन, अब देखते हैं। हाँ सही है सही है, ऐसा लैग नहीं है, वीडियो लैग नहीं है, नहीं एकदम क्लियर कट आता है, बहुत बढ़िया लगता है। गाइडलाइंस नहीं आते पर इसमें, गाइडलाइंस जो आते हैं ना वो नहीं आते। सही है वैसे, इंटीरियर भी सही है। तो यहाँ पे भी एसी मिल जाता है? हाँ एसी मिल जाता है, वहाँ पे कप वगैरह बोतल वगैरह रखे ठंडा करने के लिए, ठंडा करने के लिए। हाँ जी। यहाँ पे ये वुडन कंपनी से आता है? कंपनी से बाहर से मतलब शोरूम से बैठा हुआ है। अच्छा हाँ, एक्सेसरीज में मिला है वो। अच्छा एक्सेसरीज में मिला, और क्या लगा है इंटीरियर में? इंटीरियर में उसके इंटीरियर में ये अपना सीट कवर वगैरह उसके कंपनी से, हाँ डोर हैंडल, उसके बाद में डोर फ्रेम क्रोम में, पोग्लैम क्रोम में लगाया है, पॉइलर लगाया है और अपना मैकविल लगाया है। अच्छा ये सब कंपनी की तरफ से है? हाँ सब टोटल कंपनी तरफ से। स्टेरिंग कवर भी मैच किया? हो सब सब एक्सेसरीज में सब सब आया है। सीट कवर में भी मतलब सब सब अलग खर्चा आया था? हाँ अलग खर्चा आया था। अच्छा शुरू में लगाया था, एक्सेसरीज में किया है वो। मतलब टोटल एक्सेसरीज आपको अराउंड 2 लाख की पड़ गई थी? हाँ आस पास बराबर। स्टेरिंग कैसा लगता है आपको कार? बहुत बढ़िया लगता है, लाइट है, लाइट है। हाँ जी ज्यादा। और जैसे कि 1500 सीसी का इंजन है तो रिफाइनमेंट बढ़िया, एक बार एक्सेलरेट करना मोटर को। सही है सही है। वैसे वाइब्रेशंस वगैरह कुछ नहीं, कुछ ये बात नहीं करता है, ये बात अच्छी लगी मुझे कार की, वाइब्रेशन तो बिल्कुल नहीं। आप अगर 140 160 भी चला लेते तो लगता ही नहीं है कि 140 160 चल रहे अपन। हाइब्रिड नहीं करती गाड़ी बिल्कुल, कोई नहीं दिक्कत नहीं। तो टॉप स्पीड कितनी निकाल रखी आपने अभी? टॉप स्पीड निकाली है अभी 160 तक की निकाली। 160 हो तो डर नहीं लगता उस? नहीं लगता है, कुछ ही नहीं लगता ही नहीं, 160 चल रहे अपन। जैसे कि इस कार को 3 स्टार्स मिले ग्लोबल एनकैप की तरफ से, तो आपने सेफ्टी का जो है वो ख्याल रखा था कार लेने? रखा था, व्रत रखा था वैसे ही। और सभी कंपनियां तो अभी सीएनजी निकालने का ख्याल उनका है कि सीएनजी अभी मारुति ने निकाला है, तो अभी टाटा वगैरह वो अभी उनका डिस्कस चालू है, तो सीएनजी वो भी निकालेंगे।
हाँ वो सीएनजी में भी वैसे भी अभी कोई सेफर कार सही नहीं है, तो ये बेस्ट है। हाँ बढ़िया है। उसमें और सीएनजी का एवरेज अच्छा मिल जाता है, 26 के लगभग, 25-26 के लगभग मिल जाता है एवरेज, तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, और जैसे कि 7 सीटर है तो फैमिली के लिए बढ़िया है सर? बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, तो ऑडियो क्वालिटी कैसे लगते हैं आपको? मारुति ने दिए है? हाँ दिया है। स्पीकर्स कौन से कंपनी के दिए? स्पीकर सोनी कंपनी के। सोनी के, तो एक बार लोगों को क्वालिटी सुना देते हैं। सुना देते हो? क्वालिटी बहुत सही मिल जाते हैं। और जैसे कि ये आफ्टर मार्केट सोनी का दिया, तो टच वगैरह जेस्चर्स जो है वो अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छा लगता है। हैंग वगैरह वैसा नहीं, कुछ ही नहीं, कुछ नहीं हैंग वगैरह, कुछ नहीं सोनी का, इसकी वजह से बहुत बेटर है, बढ़िया है, अच्छा है। सोनी कंपनी बोले तो आप पहले से क्वालिटी उसकी सोनी नाम पे चलती है, कंपनी के हिसाब से बढ़िया है स्पीकर, बहुत बढ़िया है। और एसी वेंट्स भी पीछे तक हवा जाती है? हाँ बिल्कुल पीछे तक की जाती है, बहुत जल्दी चिल्ड हो जाती है वो, 5 या 10 मिनट में चिल्ड हो जाती है। पिकअप कैसा लगता है आपको? पिकअप तो बहुत बढ़िया है। 0 to 100 कितने सेकंड्स में चली जाती है? तकरीबन 20-25 सेकंड में तो चल जाती है। सही है वैसे, हाँ सही है। अरे कंपनी फिटेड सीएनजी है? हाँ कंपनी का ही है सीएनजी, कंपनी का। तो कितने का दे दिया उन्होंने किट? उन्होंने 26 का एवरेज बोला है, तो 26 का मिल रहा है। नहीं किट कितने का मिला आपको? किट का नहीं, किट नहीं मिला है, कंपनी से सीएनजी ना। अच्छा हाँ। तो किट डाला ही नहीं ना अपने, तो गाड़ी कंपनी से सीएनजी में आया है। और स्टार्टिंग के वक्त पेट्रोल लगता है, बाद में सीएनजी अपने आप आ जाता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ एक स्विच दिया है, उसको अगर सीएनजी करने का रहा तो वो बटन प्यूज करना पड़ता है, उसके बाद में सीएनजी लगता है। अगर आपने को पेट्रोल लगाया तो आप पेट्रोल भी लगा सकते हैं उसको, और बाद में एक बार टच करके स्विच को ऑन करना तो उसमें पेट्रोल लग जाता है। वो i10 नियोस जो है वो सीएनजी, तो उसमें ऐसा है कि जब कार स्टार्ट करते हैं वो पेट्रोल से शुरू होती है, फिर अपने आप सीएनजी एक्टिवेट हो जाता है? नहीं इसका वैसा कुछ नहीं, आपको जो होना वैसे सेट कर सकते, हाँ सेट कर सकते, का है वो डायल? वैसे कुछ नहीं, हाँ वो डायल है, हाँ ठीक है। और ये भी ये चीज बढ़िया लगती है, ये बहुत बढ़िया लगती है। ये हालांकि डमी है शायद से ना? हाँ, हाँ ये डमी है, ये दो एसी है। हाँ बराबर, हाँ एसी इधर इधर एसी है। टोटल ऑन रोड आपको कितनी प्राइस मिल गई इसका? इसके का टोटल ऑन रोड प्राइस गिरी अपने 11 लाख। 11 लाख, हाँ एक्सेसरीज अलग से किया है तो फिर तकरीबन 12 12.5 लाख तक की, 12.5 तो। और कितनी सर्विसिंग हुई है आपकी? 3 सर्विसिंग हो गए उसकी। अच्छा कितनी चला लिया आपने टोटल? अभी चला लिया है 10,000 के, 10-10.5 हज़ार के लगभग चल गई वो। हाँ जी, और कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका सर्विस सेंटर के साथ? बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया है। कहाँ करते हैं आप वैसे? नासिक। नासिक को ही? हाँ मैं नासिक की सर्विसिंग करता हूँ, जहाँ से गाड़ी खरीदी है वहाँ से, वही सेवा शोरूम से मारुति सुजुकी की, वहाँ से ही करता हूँ, बाहर का आप सर्विसिंग का विषय नहीं। अभी 3 सर्विसिंग फ्री होने के बाद में और भी सर्विसिंग करना रहा तो नासिक शोरूम को करने वाला है मैं। तो अभी 4th सर्विसिंग होगी इसकी? नहीं 3 सर्विसिंग हुआ है, अभी 4th सर्विसिंग भी करूंगा ना, तो वो अलग से शोरूम में करूंगा। तो आपको क्या एक्सपेक्टेड है, कितना मतलब कॉस्ट आ जाएगा 4th? कॉस्ट आएगा क्या तभी तकरीबन 2,000-2,500। हाँ वही है ना, सीएनजी का मेंटेनेंस का। हाँ बराबर। हाँ जी, और ये ग्लोव बॉक्स का स्पेस आपको डिजायरेबल लगता है? बड़ा है? बहुत बड़ा है, अच्छा है। सब बैठ जाता है? सब बैठ जाता है उसमें।
जैसे कि इसमें डिक्की या फिर बूट्स नहीं दी गई है तो सामान का थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो उसमें सीएनजी जो टैंक दिया है सीएनजी का, उसके ऊपर अच्छी हाँ रख सकते है, बहुत जगह है वहाँ पे। और वैसे भी पीछे पिछली सीट्स पे तो रख ही सकते। हाँ, रख सकते है। सीट्स कैसी लगते हैं आपको कार की? सीट एक बहुत बढ़िया लगती है, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है हाँ। जैसे कि आप अगर 10-12 घंटे गाड़ी चलाते तो लगता है ऐसे लगता ही नहीं, थकाओ थकाओ कुछ ही लगता नहीं। बहुत बढ़िया लगता है। क्लच कैसा है गाड़ी का? बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है बहुत। हाँ, और बहुत सारे जो अल्टिका का प्रॉब्लम थे वो क्लच के साथ ही थे पीछे। हाँ, अभी अभी तो नहीं है, बहुत सारा चेंज किया है उनने। पहली आर्टिका से ये आर्टिका में बहुत चेंजिंग किया है उनने, क्योंकि बोले तो पेज बढ़ाया है और क्लच वगैरह जो भी है फीचर जो है वो चेंज किया हुआ है, लुक में चेंजिंग किया है उनने। एक्सेल 6 देखी थी तो फिर उसमें प्राइस डिफरेंस कितना था? कुछ नहीं था, सेम जो सेम था। हाँ, कुछ नहीं। तो फिर इस गाड़ी में आपको ज्यादा फायदा? हाँ, ये सीएनजी था इसमें, इसकी वजह से अपन ने ये गाड़ी चॉइस किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप सीएनजी कहाँ से लेते हैं इसका? सीएनजी लेता हूँ मैं चांदौड़ से। हाँ जी। और कितना अभी रेट 64 का चल रहा है? हाँ, 64 का। टोटल फुल कितने की हो जाती है? 600 रुपए तक के फुल हो जाती है। तो फिर मतलब 600 रुपए में चलती है वो, 200 किलोमीटर के लगभग चलती है, 200-250 किलोमीटर के लगभग, 225 किलोमीटर के लगभग, 225 किलोमीटर। तो लॉन्ग ट्रिप्स आपने अब तक कहाँ तक की है? लॉन्ग ट्रिप किया है द्वारका, द्वारका से लगभग 40-50 किलोमीटर आगे किया है। तो कंफर्टेबल है कार? बहुत कंफर्टेबल है। ऐसा लगता, ऐसा लगा ही नहीं कि इतना डिस्टेंस, इतना लॉन्ग रूट किया है अपन ने, तो ऐसा कुछ थकवा वगैरह कुछ लगा ही नहीं। और मिरर भी बढ़ा दे रखा है? बहुत बढ़ा दिया है, मिरर दिया है। उसके बाद में बोले तो सेफ्टी के लिए एयर बैग वगैरह। हाँ, दो एयर बैग। हाँ, दो एयर बैग है, बहुत बढ़िया है। तो कार के डिलीवरी के टाइम या फिर पीडीआई चेक के टाइम तो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मतलब जो पीडीआई चेक होते या फिर डिलीवरी हो गई कार की, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत बढ़िया था ना एक्सपीरियंस। वो केक वगैरह? हाँ, बहुत बढ़िया था। और बोले तो उससे भी अच्छा होता था, बेहतर। मगर लेकिन उस टाइम गाड़ी लिया मैंने 9 बजे और 12 बजे से लॉकडाउन था नासिक में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा करके खुशी खुशी तो बहुत थी, मगर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा और भी कम मजा आया, लेकिन ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक था। और ये भी बढ़िया दे रहे, एनालॉग दे रखा उन्होंने। हाँ, बराबर। पिकअप भी सही है कार का? बहुत पिकअप सही है। अच्छा, अभी कितना है माइलेज? 13.2 का है। हाँ, पेट्रोल माइलेज है। हाँ, पेट्रोल माइलेज है। तो सीएनजी पे आप मतलब डेली चलाते हैं या फिर? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। सीएनजी पे अगर कहा लॉन्ग रूट अगर निकला तो तभी सीएनजी पे चलाता हूँ, ऐसा तो पेट्रोल पे ही चलता है। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना भी ज्यादा नहीं है तो फिर ऐसा लगता है कि लग जाएगी गाड़ी नीचे से? नहीं, कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं। हाँ, ग्राउंड लुक के वजह से वैसा कुछ लगता नहीं। और थोड़ी बड़ी गाड़ी है तो फिर ऐसा लगता है पार्किंग नहीं मिलेगी? मिलेगी ऐसा? नहीं, मिल जाती है ना, तो पार्किंग मिल जाती है ना, वैसा कुछ नहीं। और रिवर्स के वक्त ऐसे? रिवर्स के वक्त क्लीन दिखता है, तो रिवर्स कैमरा जो है तो बहुत बढ़िया दिया है उन्होंने। हाँ, गाइडलाइंस देते और अच्छा हो जाता है। हो, बराबर। और अब तक कोई दिक्कत आई? दिक्कत दी कार ने? कोई दिक्कत नहीं। और इंटीरियर में मैटिंग वगैरह की? मैटिंग बीटिंग बहुत बढ़िया दिया है। और पीछे भी 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है। सही है कार। बिल्ड क्वालिटी लेकिन और अच्छी कर सकता है मारुति। हाँ, कर सकता है ना, क्योंकि उनके सेल्स इतने होते हैं तो फिर थोड़ा बहुत सेल्स है। और अभी मैंने बुक करी थी कार, तभी तो शायद 2 महीने वेटिंग का बोला था उन्होंने। और अभी अगर बोला तो, अभी अगर बुक किया तो उनकी 18 महीने या 19 महीने की वेटिंग है अभी आर्टिका की। हाँ,
वही है, फिर अगर उन्होंने और हेवी गाड़ी कर दी तो माइलेज कम ही आएगी। हाँ माइलेज तो वैसे तो कुछ नहीं आएगा माइलेज कम इतना ज्यादा करके, क्योंकि फिर भी वही कंपनी सब पर्सपेक्टिव देखती है तो एक थोड़ा बहुत हो सकता है। तो आसपास क्यों नहीं जाते आप, नासिक ही क्यों जाते है? वहाँ पे बढ़िया अच्छा लगता है सर्विसिंग में, क्योंकि शोरूम में सर्विसिंग करने का तरीका एक ही रहता है, अलग से कि, हाँ अलग से हाँ। और जो कोई पार्ट रहा या कुछ सर्विसिंग में कुछ दिक्कत आती है तो शोरूम में सब मिल जाता है, और अगर बाहर लिया तो बाहर से एक उसकी कॉपी मिलती है, तो इसकी वजह से जो शोरूम में मिलता है तो बहुत बढ़िया रहता है। तो कहीं से लगी थी क्या कार बाहर से? नहीं कुछ ही नहीं, कहीं पे नहीं लगी। अच्छा, तो फुल सेटिस्फाइड है आप कार से? हाँ फुल सेट। तो अगर सीएनजी में अगर टॉप दे देते ZXi तो मैं वही खरीदता था। वही हाँ, क्योंकि उसमें सारे एक्सेसरीज आ जाते हैं, डिस्प्ले वगैरह सब। अगर बोले तो टॉप मॉडल से ज्यादा एक्सेसरीज में प्राइस में मेरे को सेकंड टॉप ये जो VXi मॉडल है ये मेरे को मुझे टॉप मॉडल से ज्यादा पैसे देने पड़े, मगर उसमें जो था सी एनजी नहीं था, इसकी वजह से मैंने ये सेकंड टॉप मॉडल लिया है। हाँ जी, जैसे कि R15 के टायर्स दिए गए तो R16 भी दे सकते थे वो लोग? नहीं, मगर इसके हिसाब से गाड़ी के पेस के हिसाब से R15 ही दिया है उन्हें, और R14 मैक्विले। हाँ स्पेयर व्हील। हाँ स्पेयर व्हील, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कंपनी ने? नहीं तो गाड़ी के पेस के हिसाब से दे सकते हैं ना कंपनी तो। एलईडी DRL थी, R60 भी दे सकती थी, मगर स्पेस के हिसाब से R50 ठीक है। तो थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके, मिलेंगे जल्दी। हो वेलकम। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, बढ़िया लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड उसके बाजू में का बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय।